पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जयंती के कार्यक्रमों की श्रृंखला में पुरुष एवं महिलाओं की बास्केटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन विश्वविद्यालय में नवनिर्मित सिंथेटिक बास्केटबॉल कोर्ट का उद्घाटन के बाद किया गया, जिसके संबंध में विश्वविद्यालय क्रीड़ा परिषद के सचिव डॉक्टर राजवीर सिंह ने बताया कि प्रतियोगिता में पुरुष वर्ग की 7 और महिला वर्ग की 3 टीमों ने प्रतिभाग किया। पुरुष वर्ग का फाइनल मैच दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय और लक्ष्य स्पोर्ट्स अकादमी के बीच हुआ, जिसमें 72-58 के स्कोर से लक्ष्य स्पोर्ट्स अकादमी विजयी रही। महिला वर्ग में भी फाइनल मैच लक्ष्य स्पोर्ट्स अकादमी टीम और लक्ष्य स्पोर्ट्स अकादमी टीम बी के बीच हुआ, जिसमें लक्ष्य स्पोर्ट्स अकादमी टीम 25-17 के स्कोर से विजयी रही। प्रतियोगिता में 6 मैच पुरुष वर्ग एवं 3 मैच महिला वर्ग में आयोजित हुए। महिला वर्ग तथा पुरुष वर्ग टीमों की विजेता और उपविजेता खिलाड़ियों को मुख्य अतिथि सिद्धार्थ विश्वविद्यालय कपिलवस्तु के पूर्व कुलपति प्रोफेसर रजनीकांत पांडे द्वारा पुरस्कार वितरण किया गया। पुरस्कार वितरण समारोह में मुख्य अतिथि पूर्व कुलपति प्रोफेसर रजनीकांत पांडे, क्रीड़ा परिषद के अध्यक्ष प्रोफेसर हिमांशु पांडे, डॉक्टर आर एन सिंह, प्रोफेसर सुषमा पांडे, डॉक्टर विनय सिंह, डॉक्टर शैलेश सिंह, डॉक्टर हरीश चंद्र पांडे, डॉक्टर ओम प्रकाश सिंह, प्रोफेसर अनिल यादव, डॉक्टर रुचिका सिंह, डॉक्टर रंजन लता सहित अन्य शिक्षक और खेल प्रेमी मौजूद रहे। इस अवसर पर मुख्य अतिथि प्रोफेसर रजनीकांत पांडे ने कहा कि खिलाड़ियों के लिए अनुशासन बहुत ही आवश्यक है। यदि वे अनुशासन में रहकर अच्छी मेहनत और अभ्यास करते हैं तो सफलता उन्हें निश्चित ही मिलती है। उन्होंने कहा कि यह बास्केटबॉल कोर्ट तथा खेल परिसर आने वाले दिनों में खिलाड़ियों के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म सिद्ध होगा जहां से वे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गोरखपुर सहित पूरे पूर्वांचल का नाम रोशन करेंगे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सिद्धार्थ विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति प्रोफेसर रजनीकांत पांडे ने कहा, भीड़ देखे बोर्ड की फिल्म बनती है कोई ना, किसी पे से बस
विकास करने के लिए। समारोह है और ये 5 दिन का कार्यक्रम है जो कि कल अंत होगा। आज सुबह हमने उन्हीं के उपलक्ष्य में एक लेक्चर का आयोजन किया था और दिन में बास्केटबॉल मैचेस का, साथ ही साथ इस ग्राउंड पर ये पहला मैच आज आयोजित किया गया है। सुबह ऐसा लग रहा था कि शायद हम लोगों से कोई कमी रही होगी, कि ईश्वर नाराज़ थे कि हम ये कार्यक्रम हो पाएगा कि नहीं, लेकिन आप लोगों के कोशिश और दुआओं से ये काम और ये कार्यक्रम बहुत अच्छा सफल हुआ। सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि इस स्टेडियम को शुरुआत करने में जिनका सबसे बड़ा हाथ रहा है, हमारे प्रोफेसर रजनीकांत पांडे जी, आज उन्हीं के कदमों से हम लोगों ने यहाँ पर पहला मैच ऑर्गेनाइज कराया है। और हमारे वर्तमान के वाइस चांसलर प्रोफेसर राजेश सिंह जी, जिनका निरंतर सहयोग और मार्गदर्शन मिलता है हमें खेलों को आगे बढ़ाने के लिए। खेलों के पदाधिकारीगण, हमारे शिक्षक बंधु और हमारे मुख्य अतिथि जो हमारे बीच के ही हैं और पूर्व क्रीड़ा परिषद भी रहे हैं, आप सभी का आज के दीनदयाल उपाध्याय जन्म जयंती के तीसरे दिन के द्वितीय सत्र में आप सभी का स्वागत है। मेरी क्रीड़ा परिषद की तरफ से हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि आपको अभी पता चला है कि ये पूरा संकुल जो है क्रीड़ा संकुल, ये आपकी परिकल्पना थी जो आज साकार हुई दिख रही है। और आज का हम लोग को गर्व भी है कि आज आपके द्वारा ही खेल का आरंभ भी यहाँ हुआ, इसमें पहला मैच भी हुआ है जिनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में। और जैसा कि अध्यक्ष जी मुख्य अतिथि ने अपने उद्बोधन में कहा कि दीनदयाल उपाध्याय जी की जो एकाध मानव दर्शन की जो परिकल्पना थी, उसमें सुशासन और आपकी धैर्य क्षमता, ये दो बातें जो हैं आपको बहुत आगे ले जा सकती हैं। इसका आपको पालन करना है और आने वाले दिनों में जैसा प्रोफेसर विजय चहल जी ने बताया है कि विश्वविद्यालय के अंदर भी एक अकेडमी बनाई जाए और उसमें केवल विश्वविद्यालय के छात्र न रहें, बाहर के हमारे रीजनल स्टेडियम के, रेलवे स्टेडियम के और भी कई स्पोर्ट्स NGO हैं, उनके भी प्लेयर्स यहाँ पर खेलें और एक टीम स्पिरिट बने, जिससे कि आने वाले दिनों में ऐसा कहते हैं कि बूंद बूंद से सागर बनता है, यही स्पिरिट आप लोगों को एशियन गेम और ओलंपिक गेम की ओर ले जाएगा। दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय में दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती के अवसर पर पिछले 22 तारीख से लेकर के और 25 तारीख तक विश्वविद्यालय कार्यक्रम चला रहा है, उसी के उपलक्ष्य में आज ये टूर्नामेंट कराया गया बास्केटबॉल का। क्योंकि दीनदयाल जी के आदर्शों पर चलते हुए उनका पूरा विश्वास था कि जब तक अनुशासनबद्ध खिलाड़ी इस देश में नहीं तैयार होंगे, तब तक वो लंबी प्रतियोगिता नहीं जीत सकते हैं। तो भारत को एक बेहतर दिशा में ले जाने के लिए गोरखपुर विश्वविद्यालय के कुलपति माननीय राजेश सिंह जी ने यह कार्यक्रम कराया है और इससे इस क्षेत्र के छात्रों में एक नई ऊर्जा का विकास होगा, जिससे खेल का विकास होगा। इसमें
लगभग कितनी टीमों ने भाग लिया? चार टीमों ने इसमें भाग लिया है। सर खिलाड़ियों के लिए कुछ कहना चाहते हैं, विजेता और उपविजेता टीम के लिए? नहीं, दोनों जो टीमें थी इन्होंने बहुत अच्छे प्रतिस्पर्धा के साथ ही मैच खेला है और मेरे उनके मंगलमय भविष्य की मैं कामना करता हूँ और उनसे उम्मीद करता हूँ कि अपने इसी प्रतिस्पर्धा की भावना से लेकर के इस इलाके के खेल के स्तर को ऊँचा बढ़ाएं।